सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे बेटा विशेषण के बारे में। ठीक है, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, विशेषण की परिभाषा होती है बेटा संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को दर्शाते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, अच्छा, सुंदर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए हम जानेंगे। और एक चीज और कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे काला घोड़ा। ठीक है, घोड़ा कैसा है? काला है। घोड़े का काला होना उसकी विशेषता है, तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, काला शब्द हो जाएगा विशेषण। और घोड़ा क्योंकि संज्ञा है और संज्ञा की हम विशेषता को दर्शा रहे हैं तो ये विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, ये विशेष्य कहलाएगा। एक और उदाहरण के जरिए हम जानेंगे, सुंदर लड़की। ठीक है, सुंदर लड़की, लड़की क्या है? सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर होना उसकी विशेषता है, ये कहलाएगा विशेषण। और लड़की क्योंकि संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता को दर्शा रहा है सुंदर, तो लड़की संज्ञा शब्द है, इसको क्या बोलेंगे हम? विशेष्य। ठीक है बेटा, अब ये तो जाना हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के चार भेद होते हैं। हम चार भागों में विशेषण को बांटते हैं, बांटा गया है। नंबर एक है गुणवाचक विशेषण, जिसमें हम गुणों के द्वारा विशेषण को दर्शाया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें मापतोल के जरिए विशेषण को दर्शाया जाता है। नंबर थ्री है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या का अनुमान लगा के या संख्या द्वारा विशेषण को दर्शाया जाता है। और नंबर चार है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम की विशेषता को दर्शाता है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, आइए अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो गुणवाचक विशेषण को बहुत सारे आधार पर जाना जाता है, जैसे किसी के गुणों को देखकर गुणवाचक विशेषण, या दोष या रंग को या दिशा को या आकार को के जरिए हम गुणवाचक विशेषण को दर्शाते हैं। जैसे गुण में हम ये कर सकते हैं कि वह बहुत अच्छा है, वह आदमी बहुत ईमानदार है, वह ईमानदार है, ईमानदार है। ठीक है, जैसे दोष हो गया, वह अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वह बेईमान है। ठीक है, ऐसे करके हम गुण के जरिए गुणवाचक विशेषण को दर्शाते हैं। ठीक है, रंग हो गया, जैसे लाल है, वह लाल रंग है, या साड़ी लाल है, या दिशा के जरिए या आकार के जरिए यह चौकोर आकार का है या आयताकार है, ऐसे भी हम किसी चीज को गुणवाचक विशेषण से दर्शाते हैं। ठीक है, नंबर दो पे है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण होता है किसी चीज का मापतोल, जैसे 2 केजी हो गया। ठीक है, 2 लीटर हो गया आपका, 2 लीटर, 2 केजी, ये सब मापतोल है। कि जैसे राम ने 2 लीटर दूध, राम 2 लीटर दूध लाया। ठीक है, लाया, इसमें आपको क्वांटिटी बता दी गई है कि वो 2 लीटर दूध लाया, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण को या मापतोल को भी हम दो भागों में बांटते हैं। परिमाणवाचक विशेषण होता है निश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण का हो गया आपका कि 2 केजी, 2 लीटर, या हम एक पर्टिकुलर चीज बता देते हैं कि इतने में लेके आया, जैसे राम 2 लीटर दूध लाया, ये निश्चयवाचक विशेषण हो गया। और अनिश्चयवाचक विशेषण आपका हो गया कि हमने दूध में कुछ शक्कर डाली, या राम ने दूध में कुछ शक्कर डाली। कुछ यानी कि आपको यहाँ पे नहीं पता है कि कितना डाला है,
तो यानी कि अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, नंबर दो पे हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा जिसे मापतोल कहा जाता है, उसे दो भागों में बांटा जाता है, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण में आपके पास एक निश्चित चीज होती है कि हमने 2 kg में या हम राम 2 किलो अमरूद लाया या 2 किलो सेब लेके आया। अनिश्चयवाचक विशेषण में आपके पास कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं होती है, तो वो क्या हो जाता है, जैसे राम ने दूध में कुछ शक्कर डाली, यानी कि अनिश्चयवाचक विशेषण है। ठीक है, ऐसे ही संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा जाता है, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली होती है बेटा, इसमें संख्याओं का मेन ध्यान दिया जाता है। जैसे कक्षा में आप ध्यान से देखेंगे, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं या 20 छात्र हैं, कक्षा में 20 छात्र हैं, ये उदाहरण है। ठीक है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर संख्या है, कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं, तो ये संख्या में निश्चयवाचक विशेषण है। ठीक है, और अनिश्चयवाचक विशेषण होगा जैसे हम ये बोले कि कक्षा में कुछ छात्र और छात्राएं हैं। ठीक है, हमने जैसे बोला कि कक्षा में कुछ छात्र और कुछ छात्राएं हैं, यानी कि उन्हें काउंट किया जा सकता है, बट अभी हम काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि कक्षा में कुछ छात्र और छात्राएं हैं, लेकिन उन्हें गिना जा सकता है कितने हैं, तो अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। इस परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में सेम डेफिनेशंस आती हैं, बट इसका समझने का यही एक तरीका है कि परिमाणवाचक में आपको 2 kg 2 लीटर दिया जाता है, और इसमें आपको कुछ, जैसे कुछ शक्कर डाली, कुछ नमक हमने सब्जी में डाला, लेकिन उस कुछ का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, नमक को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। और संख्यावाचक विशेषण में आपके पास संख्या दी जाएगी, जैसे कक्षा में 20 छात्र हैं, तो ये निश्चयवाचक विशेषण हो गया। और अनिश्चयवाचक विशेषण में आपके पास काउंटिंग नहीं, संख्या नहीं होगी, बट हम उसको गिन सकते हैं, अभी हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन उसे गिना जा सकता है, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 पे है स्वरनामिक विशेषण। ठीक है, तो स्वरनामिक विशेषण किसे कहते हैं, स्वरनामिक विशेषण होता है जो शब्द स्वरनाम की विशेषता को बताते हैं, वो स्वरनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का सुंदर है, वह लड़का सुंदर है। ठीक है, तो वह क्या है, वह यहां पर स्वरनाम है। ठीक है, वह क्या है, स्वरनाम है, और वह लड़का कैसा है, सुंदर है। ठीक है, वह लड़का सुंदर है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वह सुंदर है, तो ये स्वरनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे वे बच्चे खेल रहे हैं, वे बच्चे खेल रहे हैं, वे बच्चे खेल रहे हैं, वे स्वरनाम है। ये स्वरनाम संज्ञा की विशेषता को दर्शा रहा है, वे बच्चे खेल रहे हैं, वह लड़का सुंदर है, ये स्वरनाम भी संज्ञा की विशेषता को दर्शा रहा है। ठीक है, वे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वे स्वरनाम है। ठीक है, ये खेलना उसकी विशेषता को दर्शा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्वरनामिक विशेषण कहलाएगा। आई होप आप लोगों को विशेषण समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।